हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू गेट प्रोडक्ट नॉलेज फॉर एक्सपोर्ट। यस, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और आप नई प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो तो उसका प्रोडक्ट का नॉलेज आप कहाँ से लोगे? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए प्रोडक्ट। देखो, यहाँ पे कहावत है कि आपको हिमालय चढ़ना है तो क्या होना चाहिए? पहले हिमालय होना चाहिए, तब तो उसको आप क्लाइम कर पाओगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास होना चाहिए प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो बहुत सारी है, अब कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करें? तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट, मेरे वीडियो है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। यहाँ पर मैं बताऊँ कि कोई आपके प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है, अब क्या करना है? सपोज आपने सिलेक्ट कर लिया है राइस कर लिया है, सपोज आपने गारमेंट सिलेक्ट कर लिया है, सपोज आपने जेमस्टोन ज्वेलरी सिलेक्ट कर लिया है, सपोज आपने इमिटेशन ज्वेलरी कर लिया है, सपोज आपने फर्नीचर कर लिया है। तो जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है, अब उसका प्रोडक्ट नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा? तो आपको है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, मार्केट में जाना पड़ेगा। किधर जाना पड़ेगा? मार्केट में जाना पड़ेगा। मैं भी जब एक्सपोर्ट करता हूँ तो मेरे पास नई नई प्रोडक्ट की इंक्वायरी आती है, अब मेरे पास भी नॉलेज नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है? तो जो बनता है वहाँ मार्केट में जाते हैं तो पूरा हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट में जाना है कि इंडस्ट्री चलता कैसे है। कई इंडस्ट्री ऐसी है जो एजेंट ब्रोकर पे चलती है, कई इंडस्ट्री है जो डायरेक्ट चलती है, तो ये सब हमको पता लगाना पड़ेगा। और वो इंडस्ट्री में भी हमें चाहिए क्वालिटी प्रोडक्ट। तो क्वालिटी प्रोडक्ट कौन बनाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हम, जैसे कि हमने गारमेंट सिलेक्ट किया है, तब गारमेंट का नॉलेज कैसे मिलेगा? तो आपको सबसे पहले जब गारमेंट कौन सा है, गारमेंट में कितने टाइप है, इसलिए नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंडिया में क्या है, जो लोगों की स्किल है, बहुत होशियार लोग हैं। आप बहुत होशियार हो, मैं जानता हूँ आप बहुत होशियार हो, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है इंडियन पीपल की, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। क्या होता है? जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो उसको सब कुछ आता है, किसी में वो मास्टर नहीं है, वो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आपको जब एक्सपोर्ट करना है तो आपकी प्रोडक्ट में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। मेरे पास कोई बंदा आता है, बंदे के पास अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत अच्छे मतलब जो बंदा है कि इन्वेस्टमेंट है उसके पास, फिर मैं उसे बोलता हूँ कौन सी प्रोडक्ट में बिजनेस करना है, फिर बोलता है कि सर जो भी प्रोडक्ट डिमांड होगी ना वो कर देंगे। तो ये जो है, ये जो अप्रोच है वो सही नहीं है। जो भी डिमांड होगी वो कर देंगे, वो अप्रोच सही नहीं है, क्योंकि डिमांड हर चीज़ की है। किसकी चीज़ डिमांड है आज? हर चीज़ की डिमांड है। आज आपको कोई गारमेंट्स मांगेगा, कल कोई इमिटेशन ज्वेलरी मांगेगा, कल कोई फर्नीचर मांगेगा, कल कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मांगेगा, कल कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मांगेगा, कल कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट मांगेगा। तो आप कौन सी इंडस्ट्री को कैटर करोगे, आप किधर किधर नॉलेज लेने जाओगे? समझ में आ रहा है? क्योंकि हर इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड अलग होता है, स्पेसिफिकेशन अलग होता है, जगह भी अलग है। क्या है? जगह भी अलग है। जैसे कि मैं गारमेंट की बात करूँ, तो अगर कोई लेडीज़ गारमेंट चाहिए, आपको सारीज वगैरह चाहिए, तो सूरत उसके लिए फेमस है। क्या फेमस है? सूरत। आपको शूटिंग शटिंग चाहिए, आपको डेनियम चाहिए, जींस के लिए कपड़ा चाहिए, जींस चाहिए, तो उसके लिए अहमदाबाद फेमस है। अहमदाबाद फेमस है, जहाँ पे आपको शूटिंग शटिंग एंड डेनियम मिल जाएगा। फिर आपको टी शर्ट वगैरह चाहिए, इंडिया में आपको एक्सपोर्ट करना है गारमेंट, टी शर्ट वगैरह चाहिए, तो पंजाब लुधियाना फेमस है उसके लिए। तो इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें फेमस है। यान वगैरह चाहिए तो आपको साउथ में मिलेगा। अगर आपको कोई गारमेंट इंडस्ट्री में यान चाहिए तो आपको किधर मिलेगा? साउथ में। यान मिल बहुत है, साउथ में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे बनता है। तो ये अलग अलग इंडस्ट्री है। अब आप क्या करोगे? कोई बोलता है मेरे को टॉवेल चाहिए, कोई बोलता है मेरे को जींस पैंट चाहिए, कोई बोलता है शर्ट चाहिए, कोई बोलता है साड़ी चाहिए। तो ऐसे मैं हर इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ कि जो हर इंडस्ट्री का है पूरा अलग अलग है। कोई बोलता है मेरे को लेदर प्रोडक्ट चाहिए, अब लेदर प्रोडक्ट इंडिया में किधर बनता है? तो आपको उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, फिर प्रोडक्ट का नॉलेज लो। तो इंडस्ट्री में जाओ, किधर जाना है? अगर आपको टी शर्ट परचेज करना है, गो टू द पंजाब लुधियाना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसा कैसा प्रोडक्ट बनता है, कैसा कैसा इधर बनता है, कौन सी क्वालिटी का उधर बनता है, वो सब आपको वो बताएंगे। वो जो लोग हैं क्या बताएंगे आपको? सारी चीज़ आपको बताएंगे और मना भी करेंगे, ये चीज़ यहाँ नहीं मिलती है। एक मेरा फ्रेंड है, वो एक्सपोर्ट करता है, उसको राइस की इंक्वायरी आई, तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो वो क्या, उसने क्या किया, अहमदाबाद के अगल बगल भी बावला करके एरिया है, वहाँ पे राइस मिल है। तो वो यहाँ अहमदाबाद से चला गया, 30-40 किलोमीटर से हो, यहाँ से वहाँ गया, लोगों से मिला, बराबर है। फिर आने के बाद मुझे मिलता है कि मेरे को राइस की इंक्वायरी आई और बासमती राइस चाहिए और यहाँ पे नहीं मिल रहे। मैंने बोला क्या हुआ? बोला कि मैं यहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे गया था, राइस मिल के ओनर से मैं मिला, तो उसने बताया
कि यहाँ पे ना गुजरात में बासमती राइस थोड़े कम है, बासमती राइस की वैरायटी नहीं है, दूसरी राइस की वैरायटी है जो एक्सपोर्ट होता है, और इसको रिक्वायरमेंट थी बासमती राइस की। तो उसने मुझे पूछा कि तो ये राइस किधर मिलेंगे। तो मेरा जो नॉलेज था, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट है वो पंजाब हरियाणा से है, तो उसने मुझे सब बताया सर इधर ऐसी ऐसी वैरायटी, ऐसे ऐसे राइस वगैरह वहाँ पे होता है। तो मैंने उसे बताया कि पंजाब हरियाणा साइड तुमको ये राइस मिल जाएंगे, और उसने बताया कॉन्टैक्ट कैसे करें। देखो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ आपको, क्या करना पड़ेगा। मैंने उसको प्रैक्टिकल बताया कि एजेंट से मिलो, ब्रोकर होता है उससे मिलना पड़ेगा। क्यों? अगर ये बंदा खुद भी पंजाब चला जाएगा, हरियाणा चला जाएगा, राइस मिल के ओनर से मिलेगा भी, फैक्ट्री में गया ओनर वहाँ अवेलेबल थे तो मिल लिया, तो वो हाई बोलेंगे ना, सब अच्छा अच्छा बोलेंगे, पर उसकी जो क्रेडिट क्या है, वो राइस मिल अच्छी है या नहीं है, उसका व्यवहार क्या है, वो हम उस ये बंदे को नहीं पता है। तो किसको पता है? जो ब्रोकर है, 20 साल से वही मार्केट में वहीं पे धंधा कर रहा है, तो सब मिलर को जानता है, सबको जानता है, तो अच्छी तरह आपको जो है सब चीज़ें करवाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इनिशियली देखो, मैं क्या ऐसा नहीं बोला ब्रोकर रखना कंपलसरी है, बट इनिशियली कुछ तो करना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा तब हमको पता चलेगा। तो इस हिसाब से पूरा प्रोडक्ट का नॉलेज देना पड़ेगा। फिर यहाँ से वो वहाँ गया और पूरा बातचीत किया, और जो मिल है वहाँ पे मिला, ब्रोकर से मिला, और पूरा उसने ट्रेडिंग किया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको नॉलेज चाहिए तो इंडस्ट्री में जाना ही पड़ेगा। दो लोगों से मिलो, आपको सही आंसर मिलेगा। और उसमें आपको बताओ, कई लोग गुमराह भी करते कि ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, नेगेटिव बोलेंगे, कोई बात नहीं। हमें हमारा जो है फोकस रखना है पॉजिटिव बातों पे और नॉलेज पे। तो दो लोग ऐसे भी हो सकते हैं, और अच्छे लोग भी हैं इंडस्ट्री में 80% जो आपको सही गाइडेंस देंगे, सही मार्गदर्शन देंगे। तो जब एक्सपोर्ट करना है तो प्रोडक्ट का नॉलेज आपको मार्केट में जाके लेना पड़ेगा। तो मेरी एडवाइस है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है, कि आप पहले प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, उसके बाद मार्केट में जाके नॉलेज लो, उसके बाद एक्सपोर्ट करो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ मैं, कि लोगों के पास बायर है बट ऑर्डर नहीं है। क्या नहीं है? इंक्वायरी आना तो मुश्किल है नहीं, इंक्वायरी तो तुरंत आ जाएगी, इंक्वायरी आ जाएगी, बातचीत होगी आपसे, प्रोडक्ट को बंदा मांगेगा, पेमेंट टर्म भी अच्छी जो हमारे फेवर में है, एडवांस है, LC है, वो हो जाएगी। बट हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होता है, मतलब जो बंदा एक्सपोर्टर है उसके पास क्या नहीं होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है, रेडी नहीं होता है, प्राइसिंग किया नहीं है, समझ मारे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस में जाना चाहते हो तो प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए, उसके बाद ही आप इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हो। और भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में कुछ भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आंसर आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। और प्रैक्टिकली आप कुछ जानना चाहते हो, डिटेल में इनसाइड ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट जानना चाहते हो, तो जो मेरा ट्रेनिंग है मुंबई में है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।